दोस्तों, आज मैं आपको इस बोर्ड का कनेक्शन बताने वाला हूँ। तीन स्विच और दो 5 पिन सॉकेट और एक होल्डर। इस बोर्ड को 6 वे भी कहा जाता है दोस्तों, और 3+3 भी कहा जाता है। और इस बोर्ड की कीमत आपको एमटी बॉक्स की कीमत 50 से 60 रुपए में मिल जाएगी। आपको इजीली किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये स्विच आपको 10 रुपए में मिलने वाला है, और ये होल्डर 20 रुपए में, और ये सॉकेट जो है ना, आप कोई भी 20 रुपए में किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टोर में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले फेस कनेक्शन देने वाला हूँ। और फेस कनेक्शन के लिए दोस्तों मैं रेड वायर यूज कर रहा हूँ। इतना वायर दोस्तों मैं इनपुट के लिए छोड़ रहा हूँ, इतना सा वायर। चलिए दोस्तों, मैं फेस का कनेक्शन देने वाला हूं, और ये स्विच के नीचे के टर्मिनल से हमें फेस लेना है। स्विच के नीचे के टर्मिनल से फेस दे रहा हूं दोस्तों। मैंने पहले स्विच को फेस दे दिया है, और ये इनपुट के लिए वायर बाहर छोड़ दिया है। अब हमें इस स्विच को भी फेस देना है, और इस स्विच को भी फेस देना है दोस्तों। जल्दी से फटाफट हम तीनों स्विच को फेस कम्प्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, दूसरे स्विच को भी हमने फेस दिया है, और तीसरे स्विच को भी फेस देने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों, तीसरे स्विच को भी मैं फेस कंप्लीट कर चुका हूँ। अब हमको ऑन ऑफ देना है दोस्तों, स्विच के ऊपर के टर्मिनल से और सॉकेट के एल टर्मिनल पे देना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्विच के ऊपर के टर्मिनल से मैं फेस का कनेक्शन दे रहा हूँ, जो कि स्विच ऑन करते ही सॉकेट को पावर सप्लाई हो जाएगा। दोस्तों, स्विच के ऊपर के टर्मिनल से मैं फेस कनेक्शन दे रहा हूँ दोस्तों, और सॉकेट को एल लिखा होगा उस टर्मिनल पे इस वायर को जोड़ना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे मैं इस वायर को जोड़ रहा हूं। इसी तरह से दोस्तों, हम इसको भी देना है और इसको भी देना है। हाँ तो दोस्तों, स्विच के ऊपर के टर्मिनल से मैं फेस ले रहा हूँ फिर से। तो दोस्तों, स्विच के ऊपर के टर्मिनल से मैंने फेस लिया है, अब सॉकेट के एल टर्मिनल पे इस वायर को जोड़ना है। चलिए दोस्तों, सॉकेट के एल टर्मिनल पे हमें इस वायर को जोड़ना है। तो चलिए दोस्तों, इसका भी कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे होल्डर और स्विच को भी देना है हमें सेम ऐसे ही। ये स्विच ऑन करते ही दोस्तों, होल्डर को पावर सप्लाई चला जाएगा यहाँ से। हाँ तो दोस्तों,
तो चलिए दोस्तों, मैं इस बोर्ड का पूरा फेस खत्म कर चुका हूँ। अब हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। न्यूट्रल सप्लाई के लिए दोस्तों मैं ब्लैक वायर यूज कर रहा हूँ, और इतना सा वायर दोस्तों इनपुट के लिए छोड़ रहा हूँ मैं वायर के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हमें इस बोर्ड को न्यूट्रल कनेक्शन देना है। न्यूट्रल कनेक्शन के लिए दोस्तों इस सॉकेट के इंटरनल पे देना है। हाँ तो दोस्तों, ये न्यूट्रल वायर मैं बाहर सप्लाई के लिए छोड़ दिया हूँ। अब हमें दूसरे सॉकेट को भी न्यूट्रल देना है। दोस्तों अब दूसरे सॉकेट को भी मैं न्यूट्रल कनेक्शन दे रहा हूँ। अब इस होल्डर को भी न्यूट्रल कनेक्शन देने वाला हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, इस होल्डर को मैंने न्यूट्रल दे दिया है। तो देखिए दोस्तों, इस बोर्ड की पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से दिखेगा आपको ये बोर्ड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।